हेलो दोस्तों, आज हम लेके आ रहे हैं लिट्टी चोखा। इसे हम बना रहे हैं कढ़ाई में, जो बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत आसानी से बन जाएंगे ये। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा। लाइक का बटन जो प्रेस कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पर आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो भी वीडियो लाए सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 3 बैंगन ले लिए इस तरह से, और 3 हमने टमाटर भी ले लिए पके हुए, बिल्कुल अच्छे से लाल हैं बिल्कुल। और अब पहले हम बैंगन को कट कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं कि कोई कीड़े वड़े तो नहीं है, बिल्कुल साफ है। ये देखिए भी काफ़ी अच्छे साफ है ये। अब इसमें हम लहसुन डाल देते हैं। ये लहसुन चोखे में जो डाले जाते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं ये, तो इन्हें हम डाल देंगे इसी में। सभी को हम इस तरह कट करके डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों का तेल हम लगा देते हैं ऊपर से। इससे ये होता है कि भुनने के बाद इसके छिलके जो होते हैं बहुत आसानी से निकल जाते हैं। देखिए, मैंने सभी को लगा लिया है। टमाटर में भी हम अच्छे से लगा देते हैं तेल को, और बैंगन में भी लगा दिया है। अब इस तरह से इन्हें जाली रख के हम इन्हें भून लेंगे। हम टमाटर को भी भून लेते हैं और बैंगन को भी। अब तब तक जब तक भून रहे हैं तब तक हम आटा इसके गूँथ लेते हैं। तो 2 बाउल हम आटा ले लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। हम थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले इन्हें हम। फिर हम थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इन्हें टाइट आटा गूँथेंगे हम। बिल्कुल टाइट होना चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे करके हम आटा गूँथ लेंगे इनका हम। देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से आटा गूँथ लिया है। देखिए, एकदम बिल्कुल टाइट है ये। ये देखिए, तो हमें टाइट ही बिल्कुल आटा गूँथना है। इसकी बाटी काफ़ी अच्छी बन जाती है। अब थोड़ा देर के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए हम सत्तू रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैं सत्तू 1 कप ले लिया है। अब 1 कप हमने बारीक कटा हुआ प्याज 1 है, और 2 मिर्ची कटा हुआ डाल देते हैं। थोड़ा सा हम अदरक लहसुन के कूटा हुआ डाल देंगे। 1 चम्मच हम चाट मसाला। अब नमक स्वादानुसार डाल देंगे। अब थोड़ा सा हम आधा छोटा चम्मच हम अजवाइन, और आधा छोटा चम्मच हम मंगरेल डाल देंगे। अब 2 चम्मच इसमें हम अचार का मसाला डाल देते हैं। कोई भी अचार का मसाला आप डाल दीजिए, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब इसमें हम 1 से 2 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल हम डाल देंगे, और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे हम। हाथ से इन्हें अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत चटपटा हो जाता है ये मसाले जो होते हैं जो। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे हम। देखिए, इस तरह से बिल्कुल अच्छे से हो जाए। देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये देखिए। अब हम देखिए चोखा जो है, बैंगन टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, इनके हम छिलके निकाल लेते हैं। ये देखिए, छिलके आराम से अच्छे, देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहे हैं बिल्कुल सफाई से। टमाटर में अगर थोड़ा सा आप ऑयल लगा देंगे तो बहुत आसानी से ये छिलके आराम से निकल जाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी गंदे नहीं है ये। तो एक बार ये जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा आपको। अब हम बैंगन भी छीन लेते हैं, देख लीजिए इन्हें। ये देखिए कितनी आसानी से ये छिलके निकल जा रहे हैं इसमें से, और बिल्कुल भी जले नहीं हैं अंदर से, और ऊपर से बस छिलके जले हुए हैं, अंदर से बिल्कुल बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। इन्हें लहसुन भी इन्हें डाल देते हैं बैग चोखे में ही। देखिए कितनी सफाई से बैगन साफ हो गए हैं ये। इसी तरह हम सभी को हम छील लेते हैं। ये देखिए, अब इन्हें मसल लेंगे हम। एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। इन्हें हाथ से मसल लेते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए मसल लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 आलू भी बॉईल हुआ ले लेते हैं। इन्हें भी अच्छे से मसल लेंगे हम। बिल्कुल पेस्ट की तरह हमें नहीं बनाना, थोड़ा सा खड़े ही रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है चोखा खाने में। अब हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 2 मिर्ची कटे हुए, अब 5 से 6 लहसुन काटा हुआ बारीक डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं,
स्वादानुसार नमक डाल देंगे। हम सरसों का तेल हम डाल देते हैं, 2 से 3 चम्मच हमने सरसों का तेल डाल दिया है। चोखे में सरसों का तेल काफ़ी टेस्टी बन जाते हैं। इससे इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में, और खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो ये देखिए अब ये आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब हम लोई ले लेते हैं। आपको जितना बड़ा आप बाटे भी लेना चाहे बनाना चाहे तो इस हिसाब से बनाइएगा। अब इन्हें इस तरह से हम गोल गोल कटोरी की तरह हम इन्हें बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बना लिया है। उसमें 1 चम्मच इसमें हम भर देंगे। इन्हें अच्छे से दबा दबा के हम भर देंगे। हम इस तरह से इन्हें मोड़ते जाएंगे। इन्हें देखिए इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा बचे वो हटा देते हैं, निकाल देते हैं। और ये देखिए गोल से इन्हें बना लेंगे। ये देखिए इसी तरह हम सभी को बना के रख लेंगे। हम इस तरह प्लेट में निकाल देते हैं। इसी तरह मैंने सभी को बना लिया है। अब एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। हम सरसों का तेल लगा रहे हैं, आप कोई भी तेल लगाइए, लेकिन सरसों का ज़्यादा तेल अच्छा होता है। अब इन्हें थोड़ा देर के लिए हम ढक के रख देंगे, जिससे कि अच्छे से कढ़ाई जो है गर्म हो जाए। देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं ये, इसमें कढ़ाई भी। अब इसमें हम इन्हें रख देते हैं। कढ़ाई में भी इस तरह से आप बनाएंगे बाटी तो बहुत टेस्टी बन जाते हैं, बहुत जल्दी आराम से बन जाते हैं ये। अब 5 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम में ढक के रख देंगे हम। और फिर उसके बाद खोलने के बाद इस तरह से इन्हें पलट लेंगे हम। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हो गया है ये। इसी तरह से हम पलटते हुए इन्हें फ्राई भुनेंगे। ये देखिए इसी तरह हमें फिर से हम 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रख देंगे। ये देखिए इन्हें धीरे धीरे इसे पलटते हुए इन्हें हम बना लेंगे बाटी को। ये देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए रेडी होते जा रहे हैं ये। फिर से हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए तो बिल्कुल रेडी लग रहे हैं ना ये आपके बाटी। तो कितने अच्छे लग रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से पक भी गए हैं ये अंदर तक। इस तरह से इन्हें हिला देते हैं थोड़ा सा और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है आपका बाटी। तो इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। अब तो हम प्लेट में चोखा पहले निकाल देते हैं। अब बाटी में थोड़ा घी हम लगा देते हैं। बिना घी का बाटी अच्छा नहीं लगता है, तो घी अच्छे से लगा देते हैं इसमें। ये देखिए तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी थे। और एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे आए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए तोड़ के हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कितने आसानी से टूट गए हैं, तो बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा।